टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष और मैं हूं अनिश मौर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में जो दोस्तों पोस्को रिक्रूटमेंट 2021 पोस्को की तरफ से आई हुई है। दोस्तों पोस्को मतलब क्या होता है? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों एक कंपनी का नाम है और इसके लिए अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है और इसका दोस्तों लास्ट डेट यहाँ पर दिया गया है कि 28 फरवरी 2021 है और यह जो अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है यह दोस्तों केवल डिप्लोमा वालों के लिए आई हुई है। तो चलिए आगे आते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट दिया गया है www.posco.in, तो आप इस पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं इसके बारे में। और पोजीशन की बात कर ली जाए तो अप्रेंटिस है, टोटल वैकेंसी 5 है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, केवल 5 पोस्ट पर ही अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है। और जॉब लोकेशन क्या रहेगी? दिल्ली। एक्सपीरियंस क्या है फ्रेशर्स? और स्टाइपेंड क्या है? 12,000 रुपये पर मंथ। यानी दोस्तों डिप्लोमा वालों के लिए 12,000 रुपये पर मंथ का जो स्टाइपेंड है वह काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड है। और आगे दोस्तों आते हैं और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर दिया गया है कि कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीटेड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यानी आपका डिप्लोमा किससे होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरे नंबर पर दिया गया दोस्तों कि यदि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड दियर डिप्लोमा बिफोर 2018 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी दोस्तों 2018 के पहले अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर दिया गया है कि कैंडिडेट्स विथ हायर क्वालिफिकेशन एंड हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन अप्रेंटिस ट्रेनिंग आर आल्सो नॉट एलिजिबल। यानी दोस्तों आप कोई हायर क्वालिफिकेशन किए हैं, यानी मतलब आप बैचलर कर चुके हैं या आप कहीं से अप्रेंटिस कर रहे हैं या अप्रेंटिस कर चुके हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो जो एज लिमिट है वो 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। डेट दिया गया है 28 फरवरी 2021 तक आपका इन दोनों के बीच में एज होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन होगा वह केवल रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही मिल पाएगा। तो आगे आते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो दिया गया है कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेंड इन द क्वालिफिकेशन एग्जाम। यानी दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन एग्जाम होगा, उसमें आपके जिस प्रकार से मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से आपको उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ दोस्तों हाउ टू अप्लाई के बारे में दिया गया है कि आप इसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है MHRD.government.in के वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और इनके ईमेल आईडी पर कॉपी सेंड करनी होगी। और आपको यहाँ पर दिया गया है सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म टू कंसर्न एड्रेस और 28 फरवरी, यानी तो 28 फरवरी 2021 से पहले आपको इस एड्रेस पर इसकी हार्ड कॉपी सेंड करनी होगी दोस्तों वाया डॉक। तो आप वो देख सकते हैं इस प्रकार से है और उसको नीचे तो कुछ दिया नहीं गया है। तो यही है दोस्तों अप्रेंटिस की नई रिक्रूटमेंट, इसका लास्ट डेट आप लोग ध्यान रखिएगा 28 फरवरी 2021 है और यह केवल डिप्लोमा के लिए आई हुई है और स्टाइपेंड 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से है। तो आप दोस्तों जितनी जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर दीजिए तो बेटर होगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपका कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करिए, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।